मॉर्निंग क्लास 7, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सल्तनत। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्लेव डायनेस्टी के बारे में, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन रूलर थी। अब हम आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नासिर उद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 तक, द ईयर आफ्टर रजिया सुल्तान्स डेथ वॉज वर्क चियोटिक एंड द रूल ऑफ द सल्तनत मूव्ड फ्रॉम द वन रूलर टू अनदर। अब देखो, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो बहुत ही हादसेमय उनकी मौत हुई, और उसके बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु के बाद जो सल्तनत था, जो दिल्ली सल्तनत थी, वो स्थिर नहीं रही। मतलब कोई रूलर आता और जाता, मतलब कोई भी, कभी कोई राजा बनता, कभी कोई चला जाता, फिर आता फिर जाता, मतलब कि कोई अच्छा रूलर नहीं आया। देन 1246 अब 1246 में, मतलब कि 1246 में क्या हुआ, नासिरुद्दीन रजियाज ब्रदर असेंडेड द थ्रोन। अब 1246 में क्या हुआ, रजिया के जो भाई थे नासिरुद्दीन, उन्होंने सिंहासन को संभाला। ही वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड एंड अ मेड पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स सच एज बलबन। अब जो ये थे, जो नासिरुद्दीन थे, वो क्या थे, वो बहुत ही यंग थे, मतलब कि यंग एज के थे एक तो, और उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था सिंहासन को संभालने का। वो क्या थे, वो पपेट बने हुए थे। किसके पपेट बने हुए थे, मतलब जो भी बलबन उनको बोलते थे वो वही करते थे। बलबन ने कुछ भी, जो भी उनको बोलते थे वो वही करते थे। तो इवेंचुअली इन 1266 CE ही वॉज डिस्पोज्ड बाय बलबन, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द न्यू सुल्तान। अब 1266 में क्या हुआ, 1266 में जो बलबन थे उन्होंने नासिरुद्दीन को डिपोज कर दिया, मतलब कि मार दिया, उनको हटा दिया, और खुद को वहाँ का सुल्तान साबित कर दिया। कहाँ का, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिर कौन बन गया, बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ते हैं, वो 1266 से 1286 तक रहे। ग्यासुद्दीन बलवान वॉज द मोस्ट पावरफुल सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी एंड एक्सट्रीमली श्योर मिलिट्री चीफ। अब जो बलबन थे वो क्या थे, वो बहुत ही पावरफुल सुल्तान थे स्लेव डायनेस्टी के, और बहुत ही चलाक थे। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उन्होंने क्या किया, सिंहासन पर बैठने के बाद जब उनको सिंहासन मिल गया, तो उन्होंने अपने आप को गॉड बताया अर्थ पे। ये बोला कि अर्थ पे कौन गॉड है, मैं। बलबन को, मतलब कि अपने आप को उन्होंने गॉड साबित किया। ही अडॉप्टेड अ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू मेंटेन पीस। उन्होंने ब्लड और आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट किया शांति बनाए रखने के लिए। बलबन स्प्रेड हिज स्पीच थ्रू आउट द कंट्री टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड कंस्पिरेंसीज। मतलब फिर उन्होंने क्या किया, बलबन ने क्या किया, अपने जो जासूसों को पूरी कंट्री में फैला दिया, हर जगह फैला दिया, ताकि बाकी जगह की जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है वो उनको मिल सके। ड्यूरिंग नासिरुद्दीन रीजन द मंगोल हैड एडवांस मेनली मैनी टाइम एंड प्लंडर्ड लाहौर। अब नासिरुद्दीन के जब वो थे तो क्या किया, उन्होंने मंगोल्स हैड एडवांस मैनी टाइम्स एंड उन्होंने लाहौर को अपनी जगह में ले लिया, मतलब कि लाहौर को भी लूट लिया। लाहौर
लाहौर को लूट लिया। बलबन बिल्ट न्यू फोर्ट एंड रिपेयर्ड द ओल्ड वंस टू चेक द मंगोल्स इन्वेशन। अब बलबन ने क्या किया, नए फोर्ट्स बनवाए, नए किले बनवाए, और जो पुराने पुराने किले थे उनको ठीक कराया। किस लिए ठीक कराया, ताकि वो मंगोल्स के इन्वेशन जो थे वो उसको चेक कर सकें। द गवर्नर ऑफ बंगाल तुगरहल बैंक रिवॉल्ट अगेंस्ट बलबन इन द लेटर ईयर्स। जो बंगाल के गवर्नर थे तुगरहल बैंक, उन्होंने बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया कुछ सालों बाद। एन आर्मी वॉज सेंट टू क्रश द रिबेलियन बट इट वॉज डिफीटेड। उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को भेजा विद्रोह करने के लिए, बट वो हार गए। दिस वॉज अ ग्रेट शॉक एंड ही डाइड इन 1218। वो हार गए, और वो कब उनकी मृत्यु हो गई, ये ग्रेट शॉक था, उनकी मृत्यु हो गई 1286 में। बलबन इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पाइबोज प्रैक्टिस इन विच द पीपल वर रिक्वायर्ड टू नील एंड टच द ग्राउंड विद देयर हेड टू ग्रीट द सुल्तान। अब जो बलबन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिजदा और पाइबोज प्रथा लागू की। मतलब सिजदा का मतलब होता है कि अपने घुटने के बल बैठ के अपने सर को जमीन से टच कर कर सुल्तान को सलाम करना, इसका मतलब होता है सिजदा। He also instructed the ulemas to confine themselves to religious affairs and not engage in political activities. He also started the festival of Nowruz. उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेस्टिवल एक स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं नवरोज। एक नवरोज के नाम से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया उन्होंने। Since Bourbon's successor were weak and inefficient and the throne was captured by the Jalaluddin Khilji and thus the slave dynasty came to an end. अब क्या हुआ, जब जो बलबन की जो सक्सेसर, मतलब कि वो जब कमजोर पड़ गए, तो फिर जो उनका सिंहासन था वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी ने उस पर कब्जा कर लिया, और यहीं पर जो है स्लेव डायनेस्टी जो है उसका एंड हो जाता है। अब दिल्ली सल्तनत तो कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट करती है रूल करना, खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करती है अपना रूल करना। द खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड इट रूल इन 1290 CE आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन। द खिलजी डायनेस्टी रूल फॉर 3 decades। जो खिलजी डायनेस्टी थी वो 1290 CE में बलबन के डेथ के बाद स्टार्ट की जाती है वहाँ, और जो खिलजी डायनेस्टी थी वो 3 decades तक, यानी कि 30 सालों तक चलती है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी के फर्स्ट सुल्तान कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वॉज 70 years old when he ascended the thrones। 70 साल की उम्र में उन्होंने सिंहासन हासिल किया। ही डिफीटेड द डिसेंटेंस ऑफ बलवान एंड एस्टेब्लिश द खिलजी डायनेस्टी। उन्होंने क्या किया, बलवान को हराया और फिर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या था जलालुद्दीन खिलजी का, क्या हुआ था उनके साथ, वॉज अ अटैक ऑन द यवदा सिटी ऑफ देवनागरी। उनके साथ एक हादसा हुआ कि देवनागरी की एक सिटी है यदावा, उस पर जब वो वहां पर थे उन पर एक अटैक हुआ, जो कि उनके ही भतीजे द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। उन्होंने उन पर अटैक किया, उनकी मृत्यु हो गई, और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने क्या किया, अपने आप को ही दिल्ली सल्तनत का रूलर अनाउंस कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वॉज बाय
फार द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सबने सुना होगा, आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, तो आपने देखा होगा उसमें कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने कैसे दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। He was a brilliant general and a clever administrator and was successful in expanding the territories of the kingdom considerably. अब वो जो थे जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे और बहुत चलाक एडमिनिस्ट्रेटर थे और उन्होंने अपने राज्य को फैलाने में बहुत सक्सेस उनको मिली थी। Due to his ambitious nature, he killed Jalaluddin, marched to Delhi and proclaimed him the king. अब जो जलालुद्दीन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे ना, उनका एक ambitious nature था, मतलब कि अगर वो जो चीज सोच ले ना तो उनको वो करनी है, चाहे फिर वो कैसे भी करे। और इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपने ही मामा, मतलब कि अपने ही मामा का जो है वो मर्डर कर दिया, उनको मरवा दिया, उनको मार दिया। और फिर क्या किया, उनको मारने के बाद खुद दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया। अब उनके एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, अब उनका एम्पायर कैसे बढ़ा, उनके एम्पायर का विस्तार कैसे हो वो पढ़ते हैं। इन 1297 अलाउद्दीन सेट ऑफ द कंक्वायरी गुजरात। उन्होंने क्या किया, 1297 में गुजरात को जीता। In 1301, the fort of Ranthambore was captured. और 301 में उन्होंने क्या किया, Ranthambore का जो किला था वो उन्होंने हथिया लिया। In 1303, he conquered Chittor, killing Rana Ratan Singh. और 1303 में उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की मृत्यु कर वहां पर भी अपना कब्जा कर लिया। हिज क्वीन रानी पद्मिनी अलोंग विद अदर वुमेन कमिटेड जौहर, और उनकी जो रानी थी पद्मिनी वो अदर वुमेन्स के साथ उन्होंने क्या कमिट किया, जौहर। जौहर क्या होता है, जौहर वो होता है कि मतलब जैसे कि जौहर जो होते थे वो औरतें करती थी, जैसे उनके जो उनके हस्बैंड होते हैं वो युद्ध में हार जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में मर जाते हैं, तो फिर जो उनकी वाइफ होती है वो क्या करती है, वो अपने आप को कुंड में, मतलब कि अपने आप को जला लेते हैं, मर जाते हैं वो भी। वो कुंड जो आग होती है ना, वहाँ पे पुराने समय में होता था कि कुंड बना होता है उसमें आग जल रही होती है, तो उसमें कूद कर अपनी जान दे देते हैं, इसको उसको बोलते थे जौहर। तो जो राणा रतन सिंह की जो वाइफ थी पद्मिनी, उन्होंने भी ऐसे ही किया। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड मालवा, उज्जैन, मांडू, धार एंड चंदेरी, बट फेल्ड टू कैप्चर बंगाल। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मालवा, उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, इन सबको तो हत्या लिया, बट बंगाल को हत्याने में वो असफल रहे। बाय 1311 सी ही कैप्चर्ड नियरली द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और 1311 में आते आते उन्होंने नॉर्थ इंडिया का ज्यादातर पार्ट जो था वो अपने कब्जे में कर लिया। ही बिल्ट अलाई दरवाजा नियर कुतुब मीनार टू कम्यूनरेट हिज विक्ट्रीज। और उन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार के पास ही एक अलाई दरवाजा का निर्माण किया, उनको बनवाया। In 1317, Alauddin sent an expedition under Malik Kafur. His general Malik Kafur captured large part of India. और उसका जो एक जनरल था, कौन था, मलिक काफूर उसका जनरल था। उसने उन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया का ज़्यादातर पार्ट उनके कैप्चर में था, उनके अंडर में था। He defeated the यदावाज, द काकाटियाज एंड द होलास एंड द पांड्याज। उन्होंने किसको हराया था, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रीजन द मंगोल इन्वेडेड द कंट्री सर्वर टाइम्स, बट द सुल्तान वॉज सक्सेसफुल इन सरप्राइजिंग दम ऑल। अब मंगोल्स के चलते क्या हुआ था, मंगोल्स ने कुछ क्षेत्र जीत रखा था, वो भी सुल्तान के अंडर में आ गया था। मलिक काफूर रिसीव्ड 100 एलिफेंट्स,
7,000 horses and large quantity of jewels and coined money from the king of Warangal, Pratap Rudra Deva. जो मलिक काफूर था उन्होंने वारंगल के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव उनसे क्या किया, 100 हाथी, 7,000 घोड़े और बहुत लार्ज क्वांटिटी में जितनी भी ज्वेलरी थी और कॉइन, गोल्ड कॉइन्स को लिया. इन दुर्वासा मुंडा किंग वीर वल्लभ वॉज डिफीटेड एंड मेड प्रिजनर. और जो ये राजा थे वो क्या हुआ, वो हार गए और प्रिजन मतलब कि जेल में चले गए. द रिच टेम्पल्स ऑफ द सिटी वर प्लंडर्ड एंड मलिक काफूर गॉट अ लॉट ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलर्स एंड पर्ल्स फ्रॉम दिस टेम्पल्स. और मलिक काफूर ने क्या किया, जो भी अमीर मतलब बड़े बड़े जो मंदिर थे वहाँ पर उनको लूट लिया. और जो उसके बाद क्या हुआ, जो मलिक काफूर था उन्होंने उसके पास बहुत सारा सोना, सिल्वर, ज्वेलरी और पर्स आ गए उन मंदिरों से, क्योंकि उन्होंने उन मंदिरों को लूट लिया. मलिक काफूर मार्च टूवर्ड्स मदुरा. जो मलिक काफूर थे मदुरा के तरफ उन्होंने मार्च स्टार्ट किया. मदुरा वॉज द कैपिटल ऑफ द पांड्या किंगडम. जो मदुरा थी वो पांड्या किंगडम की कैपिटल थी. ही ऑल्सो डिफीटेड द यवदास, कटिहार एंड होलास सालाज. ही गॉट मैनी एलिफेंट्स, 20,000 हॉर्सेस. इतने मिले उनको 2,750 पाउंड्स ऑफ गोल्ड और बहुत सारी ज्वेलरी उनको मिली. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या कैसा प्रशासन था उस बारे में पढ़ते हैं. अलाउद्दीन वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर. ही फॉलोड द पॉलिसीज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन. ही मेड सम स्वैपिंग रिफॉर्म्स फ्रॉम कीपिंग कंट्रोल ओवर द नोबल्स. दिस मेजर्स इंक्लूडेड. जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे. उन्होंने एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन की जो पॉलिसी थी उसको अपनाई. उन्होंने अपने राज्य का विकास किया, विस्तार किया. ठीक है, अब पढ़ते हैं कैसे क्या क्या उनके रूल्स थे उस टाइम. बट द लैंड एंड प्रॉपर्टी विच वॉज गिवन टू द नॉबल्स एज इक्तास गिफ्ट और रिलीजियस एंडोमेंट्स वॉज टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट. अब जो प्रॉपर्टी और लैंड जो है वो दी जाएगी नॉबल्स को, उस वो कैसे दी जाएगी, इक्तास के रूप में. और जो गिफ्ट और जो रिलीजियस एंडोमेंट्स होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा वापस ले लिए जाएंगे. मैरिज पार्टीज एंड सोशल गैदरिंग ऑफ द नॉबल्स वर रेस्ट्रिक्टेड. मतलब कि जैसे शादी होती है, शादी की पार्टी होती है और जो लोग साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, ये सब वहाँ पर मना था. ड्रिंकिंग वाइन इन पब्लिक वॉज प्रोहिबिटेड. और पब्लिक में मतलब कि पब्लिक प्लेस पर ड्रिंक करना भी मना था. एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वॉज ऑर्गेनाइज. और एक स्पाई सिस्टम मतलब कि जासूस वाला जो सिस्टम था, जासूस वाला सिस्टम मतलब ताकि उनको बाकी लोग क्या पॉलिटिकल प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में पता चल सके. तो इसलिए उन्होंने स्पाई सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया हुआ था. एक्सेस ऑफ मनी फ्रॉम द नॉवल्स वॉज एक्सटेंडेड बाय हैवीली टैक्सेस. और जो नॉवल्स थे उनसे मतलब कि जो भी वहाँ पे थे उनसे ज़्यादा हैवी टैक्स वो लेते थे. द प्राइजेज ऑफ ऑल आर्टिकल्स वर फिक्स. जितने सारे आर्टिकल्स के जो भी प्राइसेस थे वो फिक्स थे, उतने प्राइस उनको देने पड़ते थे. ही कैप्ड द प्राइसेस फॉर एसेंशियल गुड्स वेरी लो. और वो क्या करते थे, वो जो पैसे होते थे वो एसेंशियल गुड्स मतलब कि जो जरूरतमंद जो सामान होता था उनके जो प्राइस होते थे बहुत लो होते थे, बहुत कम होते थे. मार्केट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कीप चेक ऑन द प्राइजेस. और जो मार्केट ऑफिसर्स थे वो वहाँ पर अवेलेबल होते थे ताकि जो जो भी सामान वो ले रहे हैं वो महंगा ना दे, उसके प्राइसेस को चेक करने के लिए. लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड वर रीफिक्स. जो लैंड रेवेन्यू था वो उसको रीफिक्स किया गया. इन द दो ऑफ द फर्टाइल लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना रिवर द टैक्सेस वॉज रेज्ड टू वन हाफ ऑन द टोटल प्रोड्यूस
the revenue records were kept up to date. और जो दोआब में क्या था कि जो भी उपजाऊ भूमि थी जो गंगा और यमुना रिवर के बीच में, वहां से टैक्स लिया जाता था. जितनी भी उनकी जो भी मतलब जितनी भी फसल उगी थी उसका 1/2 part वो टैक्स के रूप में लेते थे. और जो रिवेन्यू था वो रिकॉर्ड किया जाता था दिन डे बाय डे अप टू डेट. मतलब कि ये सारे जो रिकॉर्ड थे वो अपडेट रहते थे. अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 CE. सून देयर आफ्टर द खिलजी डायनेस्टी फेल एंड वॉज सप्लांटेड बाय अ न्यू डायनेस्टी दैट ऑफ द तुगलक्स. अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो 1316 मतलब कि 1316 में उनकी मृत्यु हो गई और इन्हीं के साथ जो खिलजी डायनेस्टी थी वो खत्म हुई और एक न्यू डायनेस्टी का उदय हुआ जो कि तुगलक थे. क्लास तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम यहीं तक स्टॉप करते हैं अपना चैप्टर.